अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजुल्ला और आप वाजुल्ला यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाइए, कहीं देखिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर अड्डे बंद होते हैं, तो आज मैं फिर बधाई के अड्डे में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के तकरीबन हर जगह पर यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, इस्लामाबाद रावल पिंडी से जिस जगह पर आपने जाना हो तो तकरीबन यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि किस किस दिन लॉकडाउन होता है और यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती है यहाँ से, तो आइए आपको मिलवाते हैं लोगों से। सलाम जी। जी सर। सर आपका नाम? जुल्फकार सर जी। कब से ये गाड़ी चला रहे हो? तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं सर। जी जी सर। कैसा चल रहा है सिस्टम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रहा है सर जी, लेकिन हालात अभी तो ढीले हैं। किस दिन होते हैं? हफ्ता एतवार सर जी, लॉकडाउन है, बस हालात तकरीबन हैं बहुत तंग। यहाँ से आप किस टाइम निकलते हो? इधर सर जी 10 बजे निकलते हैं। डेरा गाजी खान किस टाइम पहुँचते हो? इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, उधर पहुँच जाते हैं 8 बजे। सिस्टम होता है आपका? सर जी रोज़ा रखना पड़ता है, नमाज पढ़ते हैं सुबह की, डीजल भी डालना पड़ता है, डेली सिस्टम है सर जी। हमेशा यही करते हो? तो घर आपका यहाँ या वहाँ पे? हमारा डीए खान में है, डरसमिल खान के रहने वाले। कब वहाँ पे आप घर जाते हो? तकरीबन सर जी जाते हैं 20-25 दिन के बाद जाते हैं, एक महीने के बाद जाते हैं। जी जी। मैं ड्राइवर। आप भी ड्राइवर हैं? आप कब से चला रहे हैं? मैं 15 साल से चला। 15 साल से जी। ये कैसा पेशा है आपको? अच्छा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप कहाँ की गाड़ियाँ चलाते हो? मैं अवामी शानदार में चलाता हूँ, पिंडी से कराची। पिंडी से कराची, इसमें तो काफ़ी दिन नहीं लगते? 4 दिन का फेरा होता है आने जाने में। आने जाने का जी। तो फेरे के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं या आपको तनख्वाह देते हैं? ना, फेरे के हिसाब से। फेरे के कितने देते हैं ड्राइवर को? 5,500। कितने ड्राइविंग आप 4 दिन में करते हो? 2 ड्राइवर होते हैं कि ना? 2 होते। 2 दिन आप गुजार लेते, 2 दिन वो गुजार लेते? ना, 1 दिन और 1 रात का फेरा होता है। 24 घंटे का फेरा? 24 घंटे का जी। तो लॉकडाउन यहाँ पे किस टाइम होता है? लॉकडाउन हफ्ता इतवार होता है। यहाँ पे भी हफ्ता इतवार आप जी? तो वहाँ से फिर क्या करते हो? वहाँ पे भी लॉकडाउन है या वहाँ पे नहीं? नहीं, वहाँ पे भी है, सवारी नहीं है, कारोबार नहीं है, वहाँ पे रुक जाते हैं हफ्ता इतवार लॉकडाउन में। ना मेजाज गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता। अभी किधर जा रहे हो? अभी मैं इधर अड्डे पे हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं इधर अड्डे पे मुंशी हूँ भाईजान। किस दिन यहाँ पे लॉकडाउन होती है? ये हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन होता है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, जो लोग होते हैं गिलगित जाने वाले? आते हैं, लेकिन इधर आके मुसाफिर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? बस इधर 2 दिन वेट कर रहे हैं, फिर अगले दिन जो है तो लॉकडाउन खत्म हो जाता है तब जाते हैं। कहाँ पे वेट करते हैं? यहाँ पे जिसका घर होता है, कोई इधर होटल में रहाइश पजीर होते हैं। कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल से। कैसा लगा ये कारोबार? बस गुजारा, अपना घर चला रहे, कारोबार तो बस है, अच्छा है। सुनाएंगे हम इधर बस पिरबते में। कैसा लगा वहाँ क्या और इसके माहौल में क्या पर मजे है ना? पिरबते में हर चीज़ अवेलेबल है। क्या चीज़ है मिसाल के तौर पे? मिसाल में जो चाहे वह यहाँ पे मिलते हैं। कब से आप यहाँ पे हैं? मुझे 2-3 मंथ हो गए। कौन कौन से शहरों में गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं? यहाँ पे अब पूरे पंजाब में गाड़ी जाती है। पंजाब या पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तकरीबन गाड़ियाँ यहाँ से जाती है? बिल्कुल, जारी बात है। किस दिन यहाँ पे लॉकडाउन होते हैं? हफ्ता इतवार। पक्का लॉकडाउन होते हैं? पक्का तो नहीं होता है, बाकी गाड़ियाँ वगैरह तो जाती रहती है। फिर छोटी गाड़ियाँ जाती हैं? गाड़ियाँ जाती हैं। क्या कुछ पैगाम देना चाहोगे जो आपको देख रहे लोग? मैं तो यही पैगाम देता हूँ, ये लॉकडाउन भाई जी हटा दो, थोड़ी मेहरबानी है। अभी साढ़े मजदूरों का की हाल है? साढ़े मजदूर की अभी मरे हुए, पहले ही मरे हुए तो इमरान खान फिर लॉकडाउन लाई जाता। बस यही आपका पैगाम है? जिंदगी में क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हो? करना है ही चाहते, बस ब्याह ही करना चाहते हैं। बस क्या करते हो आप? मैं मोटरसाइकिल का काम। किस चीज़ का? मोटर बाइक का। कहाँ पे कर रहे हैं? मैं डो कसूम। आप किधर जा रहे हैं? फैसलाबाद। क्यों जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। उधर से आए थे जी। तो यहाँ पे गाड़ी मिल रही है? नहीं मिल रही। किस दिन यहाँ पे वो जो है लॉकडाउन होते हैं? जी पता नहीं। कितना किराया दे रहे हो? किसका? फैसलाबाद का। फैसलाबाद का 1200। 1200 जी। 1200 आपने कमाए इतने मोटर बाइक में कि नहीं? ये लाख शुक्र है। आपका कितने अर्से बाद जा रहे हो? मैं 3 महीने बाद। सर आपका नाम? तारिक अजीज। मैं इधर काम करता हूँ। कहाँ पे? कंपनी में। जा रहे हो? मैं इधर चाचा जा रहे हैं बलराम जी, गलगित अड्डे पे आए हुए हैं। आप किधर से आए हो? मैं बलराम से हूँ। जी कैसा लगा ये रावल पिंडी? बहुत बस अच्छा लग रहा है यार। उसका और उधर का में क्या फ़र्क है माहौल में? माहौल में ये फ़र्क है कि यहाँ शहर है, लोग मेहनत मजदूरी करने आते हैं और कारोबार वगैरह है, गांव में कारोबार वगैरह नहीं होता है। बस
इसके अलावा और क्या चीज़ें आपको मुख्तलिफ लगी? बस शहर है, बस इधर आके हम लोग मेहनत मजदूरी भी कर लेते हैं और कुछ कमा के उधर ले जाते हैं। क्या शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? बस हम ये शेयर करेंगे कि इधर अच्छा लग रहा है शहर में और टाइम अच्छा गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है। चलो शुक्रिया। नाम इस्माइल है। क्या करते हो आप? मैं काम करता हूँ फिर बताया अड्डे में। ये क्या चीज़ें बेचते हो आप? बूटी हैंड फ्री पावर बैंक वगैरह बेचता हूँ। ये सुना ना, किस तरह आप जब जाते हो तो गाह को किस तरह बताते हैं? गाह को बस इस तरह डील करते हैं, भाई हैंड फ्री ले जो पावर बैंक वगैरह जो वो कहते हैं जो आप सीरियस से बोलते हैं हैंड फ्री है पावर बैंक ले लो, ये चीज़ हेडफोन पावर बैंक मोबाइल चार्ज डब्बा फैक ले जाओ, किसी तरह बोल लेते हैं। कब से ये काम आप कर रहे हो? तकरीबन 6 साल हो गए यार। कैसा लग रहा है आपको ये काम? बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छा लग रहा है। काम चलते लाते और कितने की बेचते हो? बस जो 50 का एक अंगूठी लाते हो 70 का बेचते हैं, पावर बैंक जो 250 का लाते हो 350 का बेचते हैं। लोग तो कहते हैं आप लोग जो है ना 50 रुपए की चीज़ 1200 की बताते हैं, फिर जो है ना इस तरह नहीं होते ना, हम पता नहीं को करेगा, हम इस तरह नहीं करते, हम मुनासिब रेट पर बेच देते हैं। मुनासिब रेट होते हैं। कितने दियाड़ आपको बच जाते हैं? दियाड़ बच जाते हैं बस, दिन में टोटल 700-800 रुपए बस दियाड़ लगा लेते हैं। गुजारा चल जाते हैं? गुजारा बस चल जाए अल्लाह हमारे से। और इससे खुश है या नहीं है? खुश तो है, खुश है, क्यों नहीं है। का क्या मतलब है? मतलब है कोई और कोई काम होता तो वो कर लेता, फिर इससे बेहतर भी होता, लेकिन इससे बेहतर मिल नहीं रहा है ना। इसमें क्या है? किस वजह से आप खुश? तो खुशी नहीं है, हर किसी के पास जाना पड़ता है भाई ये चीज़ें, मतलब इतना कोई इस तरह अच्छा काम नहीं है ना, कोई और अच्छा काम, कोई जॉब शॉप मिल जाए। तो आप कौन सा बुरा काम कर रहे हो? नहीं है, मजदूरी है, हम शुक्र का अल्लाह का अदा करते हैं। क्या शेयर करना चाहोगे आप हमारे साथ? बस तेरे साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि जिधर मतलब गरीब है उसकी आवाज़ आप मतलब बला हुकाम तक पहुँचाओ, जिधर किसी के पास कोई मसला हो किसी को तो आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्या आप वैसे आप अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हो, कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, कुछ तिलावत कर सकते हो, क्या कर सकते हो? तिलावत तो नहीं कर सकता हूँ पर गाना गा सकते हो? गाना भी नहीं गा सकता हूँ। क्या इंसान जिंदगी में तो यही कुछ चीज़ें होती है, इंसान के टैलेंट होते तो आपने नहीं है? नहीं, इंसान का टैलेंट तो होता है, शेयर एक्चुअली सुनाऊँगा। सुना लेकिन वो पूछ तो मैं पूछ तो मैं एक शेर है कि वही मंग बतरसो दो बोल गया यार। चलो खैर है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुंग बतर सूर सर फड़े लिया कल सर तनासियो पखपला सूर जोड़ो नूर ल सूर जोड़ो पखपल अनवर तनासियो। इसका क्या मतलब है, इसको आप जरा उर्दू में बता। मतलब ये है कि हम कब तक मतलब दूसरों के लिए घर बनाएंगे, दूसरों के लिए घर बनाएंगे और खुद हमारे सर के ऊपर छती नहीं होगा। वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? अरफान। क्या करते हो यहां पे? नजर आ रहा है आपको क्या कर रहा? ठीक नज़र तो आप बिल्कुल ठीक नज़र लग रहे हो आप। ठीक होता तो साखियों क्यों पकड़ता? ठीक होता तो क्यों साखियां पकड़ता? कोई शौक से कहाँ कहाँ की गाड़ियां जाती हैं? मुझे क्या पता किधर किधर जाती है, मैं कोई गाड़ी हम तो कभी कभी आते हैं, हमको रोज थोड़े इधर होता। कहाँ पे आप रहते हो? ए सारा कानूनी। बिल्कुल नहीं पता किधर से कहाँ की गाड़ी जाती है, आप कहाँ पे जाते हो? जी आप कहाँ पे जाते हो यहाँ से? महाराज हरा कानूनी घर है, किधर जाना है, हम इधर घर जाते हैं और किधर जाते हैं।